दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो मुस्लिम ने पण मेरे थाय छे अत्यारे राजकोट ने अंदर मारा जे एक रिलेटिव्स ने अंदर मुस्लिम छोकरी है हिंदू छोकरा साथे जैन छोकरा साथे लग्न कर्या एवा घणा बड़ा किस्सा छे के हूं एमा हाजर रह्यो छूं। तो पछी सुखी जी सुखी जी आटलू सरस वातावरण छे तो पछी आ चोक्कस जे आनो विरोध थई रह्यो छे आ विरोध राजकीय विरोध छे आ विरोध राजकीय छे सामाजिक विरोध नथी आ। देखिए सूफी जी को बीजेपी से मोहब्बत है मोदी से मोहब्बत है इस वजह से वो इसका समर्थन करते हैं। हम समर्थन नहीं करते इस बिल का। मैं साफ कहता हूँ हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। ये नफरत फैलाने के लिए बिल लाया गया है। लोगों ब्रैकेट मुस्लिम के अरे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे कि मैं भ्रष्ट हूँ या नहीं हूँ। जो आपके आरती उतारे जो आपके प्रोग्रामों में आकर आपको शाल माला पहनाए वो आपके लिए अच्छा मुस्लिम है। ये आप मुसलमानों को आप ही पालिए। आप कुत्तों की तरह आपकी रोटी पर पलते हो मुसलमानों को आप पालिए। मैं आपके कहने से नहीं चल सकता। आपके नाम का आपसे मुझे धर्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप मुझे धर्म के नाम का सर्टिफिकेट एक आखी रैकेट चालतु थी साहिल जी को पता होगा अनवर जी अरे को सब झूठ बोल रहे हैं आप। कोई रैकेट नहीं चलता है। झूठ बोल रहे हैं सुनो तो आप झूठ बोल रहे हैं। कोई रैकेट नहीं चलता। आप जनता को भरमा रहे हैं। देश के युवाओं को सहल जी आप सांभळो हमने कहवा दो हूं तुम्हारे पास नफरत की खेती करने वाले लोग हो। अने त्यारे आप झूठ बोलते हो। आप झूठे हो। आप सिया अने सुन्नी समाज ना अमुक गणेला लोग को एकत्रित थया अने एक आखू नव रैकेट उभू कर्यु मोरस ऑपरेंडिस थी अने तेनी अंदर एक टार्गेट आपवामां आव्यो के हिंदू छोकरियों ने आवी रीते करवानुं आवी रीते करवानुं अने तेने एक एक लिमिट अनवर भाई आप दीजिए इनको जवाब। ये जो नफरत की खेती कर रहे हैं इनको जवाब दीजिए। आप ही शिया सुन्नी और जो तमाम बातें बोल रहे हैं आपका एजेंडा ही नफरत का है मेरे भाई। आपका एजेंडा ही नफरत का है। नफरत के बिना आपको कहीं तो नहीं चलता। बंगाल में चुनाव हो रहे वहां पर कहीं आपके विकास पर नजर नहीं आएगा। बंगाल के चुनाव में जगह जगह जय श्री राम जय ये सब वो ओम ये तमाम बोल रहे हैं नजर आ रहे हैं। आप गुनहगार को आपको इतना ही देश की परवाह है तो आप कानून बनाइए कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। आप कानून बनाइए तो इतनी परवाह है देश के युवाओं की कानून बनाइए कि हम देश के युवाओं को रोजगार देंगे। क्या पढ़ाओ आपकी सरकार में नहीं होते नहीं तो फिर एक काम करिए कि ये सरकार जो कायदा लेकर आई है जो कानून जिसमें मैंने पहले भी एक बार डिबेट हुई थी आप ही के चैनल पर जब मैंने कहा था कि कहीं पर भी लव जिहाद का इस्तेमाल ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया ठीक है। तो हाँ नहीं मैंने भी ये बात कही थी इससे पहले एक बार डिबेट हुई थी मैंने बात कही थी। तो फिर जो बीजेपी के नेता जो संघ के नेता जो हिंदू संगठनों के नेता जो लव जिहाद के नाम पर भरमाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभा में खड़े होकर जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि लव जिहाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप में ताकत है तो आप लव जिहाद का नाम उसे बिल के अंदर शामिल करिए फिर वरना लव जिहाद के नाम पर देश की जनता को भरमाना बंद करिए। ज्योतिराज जी लव जिहाद के नाम पर जनता को भरमाना बंद करिए। अगर दूसरा जो अनवर भाई ने जो बात कही मेरी अनवर भाई ने जो बात कही कि इस कानून का समर्थन करना चाहिए हम नहीं करेंगे समर्थन। ऐसा कानून पहले से देश में मौजूद है कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की को किसी भी लड़की को अगर गलत तरीके से गलत तरीके से गलत बताकर शादी करता है इसके लिए पहले से कानून मौजूद है। लव जिहाद के नाम पर लोगों को भरमाया जा रहा है। ज्वलित जी प्लीज अधिकार छे मोदी जी बाबा भारत देश के तोहिन कर रहे हो हिंदुस्तान के संविधान और संविधान की बातें करता आप लोग
आप वही हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हो जो एक बलात्कारी को बचाने के लिए आप तिरंगा लेकर निकलते हो, आप संविधान की बात कर रहे हो, गंदे मुस्लिम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग वो लोग हो बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा लेकर निकलते हो और आप संविधान की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, संविधान पर शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल नफरत की राजनीति कर भारत के लव जिहाद का कोई नामो निशान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केरल हाई कोर्ट ने कहा, सूफी जी ने सांभले, आपको हाजिया के मामले में हिंदू संगठनों को मुंह की खानी पड़ी। प्लीज आपने जनरल बात करिए छे, सूफी जी ने आपने सांभळीए, प्लीज वन बाय वन आपने बोलीशु। जो सर जी आप बोलशो तो बीजा बधा केवी रीते पोताने मत के पोतानी वात मूकी शकशे। सूफी जी देखिए, जिस तरीके से जलीत बहन ने जो पहले जो बातें कही कि हिंदू बहन बेटियों के लिए, इसी से साफ है कि सरकार की मंशा क्या होगी। क्योंकि ये जो कानून है, जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद, पता नहीं क्या क्या कानून अब ये 2014 के बाद में नए नए सब नजर आने लगे हैं, ये जो कानून है लव जिहाद, अब आप सोचिए कि लव और जिहाद दोनों साथ में कैसे हो सकता है। पहले तो ये उन लोगों को समझना चाहिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। हमारे साथ में सूफी स्कॉलर है, वो भी बता सकते हैं कि जिहाद का मतलब क्या होता है, मुझसे बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं। दूसरा, जो मौजूदा लव जिहाद को लेकर जो बीजेपी की सरकारें जहां जहां पर है, राज्य सरकारें जो कानून लेकर आई है लव जिहाद का, सीधे तौर पर ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। या तो ये होना चाहिए कि मोदी जी को बाकायदा ये ऐलान कर देना चाहिए कि भाई संविधान की इस देश में कोई जरूरत नहीं है, हम जो है वो अब सीधे तौर पर हमारी जो चीज होगी हम उसी को संविधान मानेंगे, हम वंच ऑफ थॉट ऑफ वंच जो है उसको अपना संविधान मानेंगे, हम मनुस्मृति का हमारा संविधान मानेंगे, क्योंकि बिल्कुल उल्लंघन है भाई। आर्टिकल 24 और आर्टिकल 21 को आप पढ़िए, उसमें आप कैसे किसी पर थोप सकते हैं उसके मजहब को बदलने को लेकर या उसकी शादी को लेकर, आप कैसे थोप सकते हैं किसी पर। दूसरा, जो ज्वलित भाई ने कहा हिंदू बहनों के लिए, आप इस बात का जवाब दीजिए ज्वलित भाई, गुजरात में पिछले एक साल में 67 मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ गई है, क्या ये कानून पर लागू होगा? उनके खिलाफ क्या उनको लव जिहाद नहीं माना जाएगा? देखिए, अगर माँ बहन बेटियां किसी की भी होगी, मैंने क्या बताया, माँ बहन बेटी किसी की भी होगी, हमारे लिए वो बहन ही है, माँ और बेटी है हमारे लिए। अभी उन्हीं माँ बहन बेटियों का आप सोशल मीडिया पर गाली देते हो, आपकी माँ बहन बेटी है उनको आप गाली देते हो सोशल मीडिया पर, आपकी माँ बहन बेटी नहीं होती है। कोई पण आलियो माल्यो जे मौलवी जे छे ए मौलवी बेसीने चोपड़ो लईने बेसी जाय छे अने ए चोपड़ानी अंदर पोता रीते निकाह नामामां निकाह पड़ाई दे छे। आ वस्तु पर तमे पहला तो खाड़े ऊंचा मारीशू तो तकलीफ अहीं छे कि तमे तो गमे ज्यां कोई पण माणस साथे निकाह करवा वाळो व्यक्ति तो गमे ज्यां करी लेशे, પણ એ વોઇડ છે કે નથી એ તો જોવું પડશે કે નહીં તમારે। બિલકુલ જ્યોતિરાજજી, આપણે પણ ये जो FIR होते हैं सब झूठी FIR होते हैं, मैंने यही बात कही कि हालिया के मामले में जो केरल की लड़की थी, अरे सुनिए आप, आपने बोला तो मैं चुप रहा, आप सुनिए, आप सुनिए, आप आपने बोला मैं चुप रहा, आप सुनिए, कैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल झूठी होती है, उकसावे में की जाती है, लड़की को भरमाया जाता है, गलत गलत बयान उसे दर्ज करवाए जाते हैं। हां बोलो बोलो जी भाई, ज्योतिराज जी सुप्रीम कोर्ट में जी स्वीकारवा तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हालिया के मामले में उन हिंदू संगठनों को तमाचा पड़ा था, बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। મહાનતા એમાં હોય છે કે પોતાના ઘરમાં ભૂલ હોય તો સ્વીકારવી જોઈએ, आप सब कानून नहीं सुनिए ना, मैंने पहले ही कहा आपके सारे कानून ऐसे ही लेकर आपने कहा कि नहीं धर्म के नाम पर नहीं है, लेकिन किसको पॉइंट आउट था ये सबको पता है, अशांत धारा कानून आप लेकर आए किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं सबको पता है, लव जिहाद कानून लेकर आ रहे किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं सबको पता है, तो आपकी कहनी और आपकी करनी में बहुत फर्क है। 28 साल की ताकत रखो सहल जी, जे कोई कह रहा है आप इस सच्चाई को स्वीकारिए, आप इस सच्चाई को स्वीकारिए कि लव जिहाद का पुलिंदा है, लव जिहाद नाम का कोई अल्फाज नहीं है, आप सबसे पहले जिहाद को समझ लें, जिहाद के अल्फाज का मतलब क्या होता है वो आपको पता नहीं है और आप लव जिहाद करने लगे। सहल जी
તમે આ બિલનો વિરોધ કરો છો. આમાં એક વાત એ પણ કરી છે કે માની લો કે મુસ્લિમ છોકરો હોય કે હિન્દુ છોકરો હોય, પોતાનું નામ બદલીને, જો મુસ્લિમ છોકરો હોય તો નારા છડી પહેરીને, પછી પૂજા પાઠ કરીને, હિન્દુ નામ ધારણ કરીને મુસ્લિમ છોકરીને છેતરે, અથવા તો મુસ્લિમ છોકરો જો હિન્દુ ધર્મનું નામ ધારણ કરીને હિન્દુ છોકરીને છેતરે, તો એના માટેનો આ કાયદો છે, તો પણ એનો વિરોધ કરશો તમે? સહલજી, સમાજ માટે છે. બીજું એક વસ્તુ, આપે લવ જિહાદ ની વાત કરી, લેન્ડ જિહાદ ની વાત કરી, આપે અશાંત ધારાની વાત કરી, શું આ કાયદા, શું આ કાનૂન, આ બિલ કોઈ એક સમય, કોઈ એક સમાજ, એક ધર્મ માટે છે એમ માનો છો આપ? लेकिन इन तमाम कानूनों को लेकर, अशांत धारा हो, सीएनआर से, इन तमाम कानूनों में सबसे ज्यादा निशाना किसे बनाया गया, ये बात को आप देखिए. मैंने पहले ही कहा कि जो केरल हादिया का जो मामला, अब सुनिए ना, अरे आप सुनने की ताकत रखे, मुझे बोलते सुनिए, आप चुप रहिए ना, सुनिए, आप पहले आप सुनने की ताकत नहीं है, आप सच्चाई नहीं सुन सकते, आप में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, आप में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, जब मैं बोल रहा हूँ तो चुप रहिए, चुप रहिए, आप जब मैं बोल रहा हूँ तो चुप रहिए, मैं चुप रहा ना, सुना ना मैंने आपको, जो आपको सुनना ही नहीं है, आपको सच्चाई सुननी नहीं है, जब बोल रहा हूँ तो सुनिए ना, अरे सवाल मुझसे पूछा गया है तो बोलने की સાલજી બોલો કેમ વિરોધ? केरल का जो हादिया का जो मामला आया था, उस मामले में क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे हिंदू संगठनों ने, क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन हिंदू संगठनों को तमाचा खाना पड़ा था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा. बात नहीं सर जी, अरे सुनिए ना, गुजरात की बात कर रहे यार, अरे उसके, अरे सुनिए ना, और एक बात बता रहा हूँ, झारखंड का, अरे बोला था, सुनिए ना, बोलने देंगे आप, आपको ये भी तो सच्चाई ही बोल रहा हूँ ना, बर्दाश्त नहीं हो, मेरे घर की बात बोल रहा हूँ, साइटेशन झारखंड के मामले में एक लड़की थी सचदेव, अरे सुनिए ना आप, झारखंड का भी एक केस ऐसा आया था, उसमें भी मुक्की खानी पड़ी थी हिंदू संगठनों को, सरकार ने पार्लियामेंट में कहा, अरे सुनिए, सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि सरकार को जब पूछा गया लव जिहाद जैसी कोई चीज है या नहीं, तो कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सरकार, तो दूसरा मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप जो बिल लेकर आए, इसकी जरूरत क्या थी, जब पहले गलत तरीके से फंसा कर शादी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले से कानून मौजूद है, कानून की जरूरत क्या थी, धर्म के लोग जड़ बुद्धि छोकरा पण होय छे, જેને કઈ સમજ જ નથી પડતી કે બસ ગમે તે થાય લઈને ભાગી જાઓ. હવે હું એ જ કહેવા માંગુ છું, જે મારી મૂળ વાત જે આવે છે કે આવા લોકો જે ભાગીને જતા હોય છે, એ છોકરાઓ ગમે તેમ કરીને લગ્ન કરવા માટે, નિકાહ કરવા માટે ગમે તે મૌલવી પાસે પહોંચી જતા હોય છે. એ મૌલવી ઓથોરાઇઝ છે કે નહીં પહેલા તો એ જાણવું પડે, ચોકસાઈ કરવી પડે. એ મૌલવી પહેલા તો કાજી સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ મેરેજ કરાવી શકે નહીં. તો આ મૌલવી જે મેરેજ કરાવે છે, એ ખરેખર તો ગેરકાયદેસર મેરેજ કહેવાય છે? મેરેજ ની કોઈ વ્યાખ્યામાં જ નથી આવતા. નિકાનામું ગમે તેમ બનાવીને આપી દે એ વ્યક્તિ. હવે આવા જે ફ્રોડ્યુલન્ટ મેરેજ જે છે, એના અમે સખત વિરોધી છે. તો એ મૌલવી ને સજા થવી જોઈએ એવું માનો છો આપ? જે મૌલવી છે કે કાજી, મતલબ સમજો કે કાયદેસર મેરેજ કરાવે, કાજી જે છે, કાજી ની ઉપર તમે જવાબદારી આપો, કાજી કોઈ પણ દિવસે ખોટું કામ કરે નહીં. નહીં નહીં, આવા મૌલવીઓ સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ સુફીજી. અરે એમાં તો લખ્યું જ છે ને, કાયદામાં જોગવાઈ છે. ઓકે સહલજી, તમે સહમત છો કે નહીં? આવા જે બની બેઠેલા મૌલવી હોય ને, જો ખોટા મેરેજ કરાવતા હોય ને, ધર્માંતરણ થતું હોય, ધાક ધમકી હોય ને, જો મેરેજ થતા હોય તો એની સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ, એની સાથે સહમત છો સહલ કુરેશી? સીધી બાત હે ભાઈ, ધર્મ જો હે વો, યે જો સુફી જી જો બાતે બતા રહે હૈ ભાઈ, જો ઉલેમા હોતે હૈ, જો આલિમ હોતે હૈ, જો મુફ્તી હોતે હૈ, જો કાઝી હોતે હૈ, ઉનકા મામલા વો સમજતે હૈ. મેઇન બાત યે, જૈસે સુફી જી જો બાત બતા રહે હૈ કે યે નહીં હોના ચાહીએ, વો નહીં, મેં સાફ સાફ કહેતા હું કે યે પૂરા કાનૂન હી ગલત હૈ, યે પૂરા કાનૂન હી જો હૈ વો સંવિધાન કે ખિલાફ હૈ. આપ કિસી સે કિસી કી આઝાદી કૈસે છીન સકતે હૈ? આમાં આઝાદી મરજી સે લડકી જાતી. ઓર આપ મેં એક બાત બતા રહા હું, જો આપ મુજે પૂછ રહે થે, આપ સુનિયે, हाँ सुनिए सुनिए, जो मुझे बता रहे थे कि गलत तरीके से एफआईआर कैसे होती है, मैं बताता हूं कैसे होती है. कई ऐसे मामले सामने आए
कि किसी ने मकान खरीदा, किसी हिंदू ने मकान बेचा, मुसलमान ने खरीदा। सवाल सुनिए ना, पहले अंडरस्टैंडिंग थी। एक तीसरा बंदा हिंदू संगठन का उठा, उसने जाकर एफ आई आर के लिए दबाव बना दिया। यही होता है इस केस में। ये जो लव जिहाद जो प्रोपेगेंडा बता जो बनाया जा रहा है, कोई लव जिहाद नहीं है। कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की या हिंदू लड़की कोई मुस्लिम लड़की से लड़के से शादी करती है तो इसी तरीके से जो हिंदू संगठन के लोग होते हैं वो हिंदू लड़की के घर पर जाते हैं, उसके माँ बाप को प्रेशराइज करते हैं कि आप एफआईआर कराओ हमारी लड़की। चलो ज्वाली जी, ज्वाली जी, ज्वाली जी, ओके जी, ज्वाली जी, प्रेशराइज लड़की पर किया जाता है। चलो ओके सारे पुरुषों को ज्वाली जी सीधो आक्षेप छे के तमे प्रेशराइज करो जो आवा हिंदू संगठनो प्रेशराइज करे छे। कोई व्यक्ति बोली सके जेने आ कायदानो दुरुपयोग करवो होय तो हर जगह मुसलमान नजर आते हैं। ताहिल जी मुझे सुन लेने दो, बिना आप मुझे सुन लेने दो, पाकिस्तान के नाम भी बिना कुरैशी साहब मुझे सुनो। आपको हर जगह मुसलमानों के नाम का पता नहीं क्यों आपको इतना ज्यादा बोल रहता है। ताहिल कुरैशी प्लीज, मुसलमानों को नहीं, आप मेरे हिंदू युवा भाइयों को भी भरमा रहे हो। आप गलत हो, आपके पास में आपकी जो सरकार है भाजपा की उसके पास में महंगाई के लिए कुछ नहीं है, उसके पास में रोजगारी के लिए कुछ नहीं है। लव जादू किसी चीजों में देश के युवाओं का आप गलत काम करने वाले को आप बढ़ावा दे रहे हो। ज्योतिरा जी प्लीज, सूफी जी सवाल सीधो, सूफी जी ने सवाल सीधो पूछू छू के सूफी जी शू आपे आवा किस्सा समाज में जोया छे के बड़जबरी थी धर्मांतरण करावु, एने मंदिर में जती रोकवी, एने क्यांक पूजा पाठ करती रोकवी, बुरखो पहेरवा माटे प्रेशर करवु, आवा किस्सा जे समाज में बनता होय छे अथवा बने छे एवी ज्यारे वात थई रही छे हिंदू संगठनों तरफ थी, क्यांक प्रदीप जी ए पण प्रदीप सी जाडेजा ए पण ज्यारे आ वात करी छे के एकदम हालत एवी थई जाय छे धर्मांतरण पछी के युवती पाछू आवानुं विचारे तो पण नथी आवी शकती, શું આવું પ્રેશરાઇઝ ધર્માંતરણ પ્રેશરાઇઝ દ્વારા થતું આપે સમાજમાં જોયું છે જાણ્યું છે સુફીજી? મારા નોલેજમાં હજી સુધી આવી કોઈ વાત નથી આવી। અચ્છા, એટલે દબાણ થતું નથી, આ વસ્તુ જાણતો પણ નથી, ક્યાં ક્યાં થયું, કેવા કિસ્સા, કેટલા કિસ્સા થયા છે સરકાર પાસે હશે, બાકી આ વ્યક્તિગત રીતે મારી પાસે આવી કોઈ જ માહિતી નથી। કારણ કે હું જે અમદાવાદના જે વિસ્તારમાં રહું છું, સૌથી મોટો વિસ્તાર અમદાવાદનો જુવાપુરા વિસ્તાર કહેવાય છે, આ વિસ્તારની અંદર આવી કોઈ ઘટના મારા નોલેજમાં નથી આવી કે કોઈ હિન્દુ યુવતી આવીને આવી રીતે કંઈક કર્યું હોય। હા, બની શકે કે કંઈક બીજા કોઈ જગ્યા પણ, હું એનો ડિનાય પણ નથી કરતો કે ન થયું હોય, પણ આવી ઘટના બની અમદાવાદમાં બની હોય કે અમદાવાદની આજુબાજુમાં બની હોય એવી કોઈ ઘટના મારા જાણમાં નથી। બીજો સવાલ સહલ જી જે પ્રમાણે કહી રહ્યા છે કે લવ આપકી ધ્યાન મેં ક્યાં નહીં હૈ, ઇસ કેન્દ્ર સરકાર કે મંત્રી કે ધ્યાન મેં ભી નહીં હૈ, પાર્લામેન્ટ મેં પૂછા ગયા થા કે લવ જિહાદ કો લેકર કે એસા કોઈ મામલા જરૂર નથી, સહલ જી મોદી સરકાર કે એક મંત્રી ને કહા કે નહીં લવ જિહાદ જૈસા એસા કોઈ મામલા, સહલ જી જરૂર નથી કે તમારા ધ્યાન માં હોય, સહલ જી આપકો હિન્દુ મુસલમાન કે નામ પર નફરત પેદા કર દી હૈ ઇસ વજહ સે આપે કાનૂન કો લા, સહલ જી આજ આક્ષેપ આ તમારી પર લાગે છે જે અત્યારે જ્યોતિનાથ કહી રહ્યા છે કે તમે કટ્ટરવાદ ફેલાવો છો, તમે આ એક તરફી વિચારો છો, એ પછી આક્ષેપ પ્રતિ એક ઉંગલી દૂસરે કી ઓર કર રહે હો, તીન ઉંગલી આપકી ઓર હો રહી હૈ, સહેલ જી સોચા પહેલે। એટલે સુફી જી સવાલ એ છે કે જ્યારે આ મુજે કિસી કટ્ટરવાદી સે મુજે સર્ટિફિકેટ નહીં ચાહીએ, આપકા સર્ટિફિકેટ આપ અપને પાસ રખીએ, મુજે આપકે સર્ટિફિકેટ કી જરૂરત નહીં। આપ ક્યા હો પહેલે યે બતાઓ, મેં તો હું હિન્દુ કટ્ટરવાદી હું, કે મુજે કોણ હો, કે 2000 કે બાદ સે સર્ટિફિકેટ કી દુકાન ગલી ગલી મોહલ્લે મેં ખુલ ચુકી, આપકે ગુનેગારો કો સર્ટિફિકેટ દેજીએ દેશભક્તિ કો કટ્ટરવાદી, આપકે કરેક્ટ તત્વો મિટાને કી કોશિશ કર રહે હો। चलो सूफी जी, ये प्रमाण जे कायदा आवे छे, सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, 2014 के बाद बेरोजगार लोग घूम रहे हैं जिन्होंने गली मोहल्ले के किनारों पर जो बेरोजगारी की बात कर रही है, या सरकारों की बात कर रही है, आप बेरोजगारी बनाइए ना, या रोजगार लाएंगे हम, ये कानून बनाइए ना। चलो सूफी जी, सवाल ये छे के लव जिहाद की बात होय, लैंड जिहाद की बात होय, अशांत धारा की बात होय, आप मानो छो के कोई चोक्कस समुदाय माटे आ कायदो छे अथवा एक ज धर्म माटे नो आ कायदो छे? कायदो बधा माटे सरखो होय छे। सहल जी कही रह्या छे के एनो टार्गेट मुस्लिम समुदाय बने छे। सूफी जी હું કોઈ વ્યક્તિગત વાત નહીં કરું, અશાંત ધારાની વાત એમણે કરી, અશાંત ધારાનો મુદ્દો જુદો છે, અશાંત ધારા લેન્ડ જિહાદ એ લેન્ડ જિહાદની વાત એમની અલગ છે, એમના દરેક વસ્તુમાં એક બાયસ હોય છે, એ સ્વતંત્ર રીતે વિચારી શકતા નથી, એ સ્વતંત્ર પત્રકાર પોતાની જાતને કહેતા હોય પણ સ્વતંત્ર પત્રકાર નથી, બાયસ માઇન્ડેડ છે, એમને બીજેપી માટેનું એક બાયસ છે અને બાયસના કારણે ગમે તેમ બસ બીજેપીએ જે કર્યું એટલે ખોટું જ કર્યું છે, એ એમના આગળ ફિટ થઈ ગયું છે। એક વાત બીજી કે જે લેન્ડ જહાજની વાત કરે છે, લેન્ડ જહાજ આવી જે ગલત
करेगा मैं अपना टाइम दूंगा उसको। बीजेपी से मोदी से आप राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है मुझे। जो भी गलत बोले विरोध कर, जो गलत करेगा उसका विरोध करूंगा। दिलीप भाई हूँ तुमने जनाव छू क्या व्यक्ति कोई ने बोलवा देता नहीं, टाइम किल करे छे, टाइम બધાનો કિલ કરે છે અને ગમે તે બોલવા માંગે છે અને વિષય વિષયાંતર કરવામાં હોશિયાર છે એટલે વિષય પર બોલતો નથી, જ્યારે વિષય આવે છે ત્યારે આરી ઓડી વાત કરે મુતા છે મારે એમને નહીં જેમુ અશાંત આસુલ મલાઈ મિલતી આપ કરી ને ઉનકે ઉનકે હર ઉનકે ફરિયા બિલકુલ કેવા કેવા લોકો કેવા ક્યાં ક્યાં પહોંચી ગયા છે એ મારું નથી ખોલવાયા। અશાંત ધારો કેટલા લોકોને ફાયદા કરે થયો છે, અશાંત ધારો સૌથી વધારે ફાયદો તો મુસ્લિમ સમાજ ને થયો છે, મુસ્લિમ સમાજ ને। અરે અશાંત ધારા ને બાબુ જમના કે મામલે મે ક્યા ઉસ પર ભી બોલિયે ના, હાઈ કોર્ટ ને કહા કે તોડ પી જા પૂરા માં જે ગુંડા બાબુ જમના વાલા મામલા गुंडा गेंगो थी ए गेंगो साफ थी ए नहीं देखात तमने, तमे सारो मानस या सीधो मानस आज सारा मकान में रही सकता ना, तो आज ए गुंडा गेंग ने साफ करी छे। अरे अनवर भाई मैंने पहले ही कहा जो गलत है उसको कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ करो, मैंने पहले ही कहा कि जो गलत है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो आप रहने दो। लेकिन बाबू जन्ना के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, बिल्डिंग नहीं गिराई गई क्योंकि बाबू क्योंकि बीजेपी से उनका ताल्लुक था। ज्वलित जी, ज्वलित जी जारे आतंकवादी बात हो लव जी अनवर भाई अनवर बहल जी दुनिया की है क्या जानती है आपके कैसे इलू इलू आपका चलता है किससे बीजेपी से और क्या आपका वो है वो दुनिया जानती है मुझे किसी से कुछ कहने का मतलब नहीं है। और दूसरा आपको विरोध करना है क्या आपको मैं करता रहूंगा संविधान के खिलाफ होगी मैं उसका विरोध करूंगा। अच्छा ज्वलित जी, ज्वलित जी ओके, संविधान के खिलाफ होगी मैं उसका विरोध करूंगा। ज्वलित जी राहुल गांधी लाए कांग्रेस लाए मोदी लाए बीजेपी लाए मैं विरोध करूंगा उन चीजों का जो मेरे देश के संविधान के खिलाफ है। अरे मात्र भाजपा का विरोध करो जे सरकार का विरोध करो जे। अरे नहीं आपके पास जो हेटर्स फैलाते उनके उसमें कार्यक्रमों में आप जाते हैं उनसे आप पट्टा पहन के मुझे उनसे मतलब नहीं, मैं हेटर्स फैलाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आईना दिखाने बैठा हूँ। भारत के संविधान को मानने वाले लोग है, भारतीय स्वतंत्रता को मानने वाले लोग है, हम ज्वलित जी बात मानेंगे आवाज दबा दिया गया पता नहीं कोई अधिकार नहीं है। चलो ज्वलित जी, ज्वलित जी हम मुस्लिम समाज का हित की जहाँ बात आएगी वहाँ मुस्लिम समाज की बात करेंगे, बहुत आपका गला सूख जाएगा लेकिन मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा। हमारे आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।